आज हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, आपको पता है इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, ठीक है। और टॉपिक है इज एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, रिमेनिंग ऑफ द लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो आज का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी बफर सॉल्यूशन की एप्लीकेशन कहाँ पर होती है, यानी कहाँ पे हम बफर सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, यूज़ कहाँ है होता है। तो ये तो हो गया इसका, क्या हो गया, टॉपिक, ठीक है बेटा। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन है। हमारे पास इसकी बहुत एप्लीकेशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उतना करना है जितना हमारे सिलेबस में है। तो वी हैव फाइव एप्लीकेशंस इन दिस टॉपिक, ठीक है, फाइव मेजर एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, फाइव मेजर एप्लीकेशंस, फाइव मेजर एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी बफर सॉल्यूशन का बेटा हमारे पास पांच इस्तेमाल है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है पांच, दीज फाइव, ठीक है। तो व्हाट आर दोज फाइव, सो लेट्स डिस्कस नंबर वन। सबसे पहले है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, जो पहला एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कौन सी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ना कि इट इज यूज इन मैनी, इट इज यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है, मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो व्हाट आर दोज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बेटा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है। अब दैट इज, अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है ना, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस्ट्रीज प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक मटेरियल में इस्तेमाल होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक मटेरियल में इस्तेमाल होता है। आजकल इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, लेकिन पुराने जमाने में आपको पता है पिक्चर्स को डेवलप करते थे हम लोग ना, जिसको आप लोग डेवलपिंग कहते थे, ठीक है बेटा। तो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन तो इसकी ये है, ठीक है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। दूसरा इस्तेमाल हम इसको क्या कर लेते हैं बेटा, दूसरा ये क्या होता है कि ये लेदर और डाइज में इस्तेमाल होता है, लेदर जिसको चमड़ा वगैरह कहते हैं ना, लेदर लेदर एंड डाइज, रंग साजी में इस्तेमाल होता है। रंग साजी क्या होता है, जैसे कलर देना, ये है। तो ये तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। बफर सॉल्यूशन कहाँ इस्तेमाल होता है, लेदर में, डाइज में और फोटोग्राफिक मटेरियल में इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। ये तो हो गया इसका पहला इस्तेमाल, ठीक है। सेकंड पे आते हैं बेटा, नाउ कम टू द सेकंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, वी कैन से दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, या आप ये समझ ले कि इट इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूज इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के स्पेलिंग में शायद मुझे कोई मिस्टेक नजर आ रही है, पता नहीं डबल टी आता है या सिंगल आता है, मेरे ख्याल में सिंगल ही आता होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दूसरा एन एनालिटिकल प्रोसीजर जितने होते हैं, एन एनालिटिकल प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होता है। अब ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से प्रोसेस है, एनालिटिकल प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। तो बेटा एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये आपको पता होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन वन मेटल इज डिपॉजिटेड अवर अनदर मेटल, व्हेन व्हेन वन मेटल
एक मेटल को इज डिपॉजिटेड, उस डिपॉजिट किया जाता है ओवर अनदर मेटल, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाए अनदर मेटल थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यानी आप बिजली का इस्तेमाल आपने करना है, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है बेटा, ये हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले क्या होती है, तो आपको पता चल गया कि एक मेटल है, फर्स्ट करिए एक मेटल है, इसके ऊपर आपने एक और मेटल रेड कलर का, ये देखिए ये रेड कलर का मेटल जो है ना, ये आप इसके ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, थीके? तो जब ये बनेगा ऐसे, ठीक है बेटा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा ना, तो इसको, और अगर ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो जाएगा ना, इसको आप लोग वेल्डिंग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, ठीक है। एक मेटल, ये मेटल ए है जिसको मेटल ए कहेंगे, ये मेटल बी है, ठीक है, तो ए को बी के ऊपर आपने क्या करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो ए को बी के ऊपर डिपॉजिट करने का नाम जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, इफ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं जैसे वेल्डिंग में, इसमें क्या फर्क है बेटा, वेल्डिंग में जो होता है उसमें सोल्डर इस्तेमाल होता है, थर्ड चीज इस्तेमाल होती है, ठीक है बेटा जी, ये तो दूसरी एप्लीकेशन होगी। थर्ड एप्लीकेशन इसकी क्या है बेटा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो थर्ड एप्लीकेशन है, इट इज के जो बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड, बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, इन कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, ठीक है, पीएच मीटर, या आपको पीएच तो पता होगा ना, जो पीएच क्या होता है, कोई सॉल्यूशन एसिडिक होता है, बेसिक होता है, तो ये कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नंबर फोर्थ जो है ना, वो भी इजी है। नंबर फोर क्या होता है, मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जितने भी होते हैं मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, प्रोसेसेस प्रोसेसेस कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस, ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ना, उसकी बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बफर सॉल्यूशन यूज होता है, बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड। अब बेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, मैं पहले ख्याल में कोई बच्चा इंटर हुआ है, चले ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं बायोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात की जाए, क्यों इस्तेमाल होता है, कि पीएच लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है, टू प्रिजर्व पीएच, प्रिजर्व पीएच, पीएच को प्रिजर्व करने के लिए, कैसे, जैसे ह्यूमन ब्लड है ना बेटा, इंसान का जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, इसका जो पीएच होता है बेटा, इसका जो पीएच है ह्यूमन ब्लड का, वो मेरे ख्याल में 7.3 से 7.45 होता है, ठीक है बेटा, 7.35 से 7.45 होता है, ठीक है। इसी तरह अगर ये 7 से 8 हो जाए तो हम हमारी मौत हो जाती है, अगर हमारा पीएच 7 से 8 हो जाता है, वी विल डाई, तो वी विल ऑटोमेटिकली डाई, इसका मतलब ये हुआ कि पीएच को मेंटेन करने का काम बफर सॉल्यूशन करता है। इसी तरह टीयर्स का जो पीएच है, टीयर्स हमारे जो आंसुओं है, उसका भी खास पीएच लेवल होता है, ठीक है, उसका पीएच लेवल जो है वो 7.40 है, 7.40 है, तो इसी के करीब होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। इसी तरह हमारा जो स्टमक है, स्टमक इसको मैदा कहते हैं, ठीक है बेटा, इसका भी जो पीएच लेवल है, ये भी हमारे पास फिक्स होता है, ठीक है, ये कितना होता है, 1.65 से, 1.65 से हमने इसको मेंटेन करना है 1.75 तक, ठीक है, इसका भी फिक्स है। इस तरह
इग हो गई है वो, दूध वगैरह हो गया, मिल्क हो गया, ये मिल्क है ना बेटा, मिल्क मिल्क, इसका जो पीएच है, और या एग वाइट जो होता है, अंडे की जो सफेदी होती है, एग वाइट, इनका जो पीएच है बेटा, ये भी तकरीबन 6.7 होता है, मिल्क का होता है 6.7 से लेकर 6.8, और जो दूध है, ये जो एग वाइट है ना, एग वाइट, इसका जो पीएच होता है ना बेटा, पीएच ये होता है 8.0 से, इसका जो पीएच होगा 8.0 से लेकर तकरीबन 8.1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है बेटा। ये वाला कौन सा, एक ह्यूमन ब्लड का कितना पीएच है ये भी याद रखना, ठीक है। टीयर्स का क्या होता है, स्टमक का क्या होता है, मिल्क का क्या है, और एग वाइट, तो ये फिक्स होती है। देखो हमारे बॉडी में हमारा जो खून है, इसका जो पीएच होगा 7.3 से लेकर 7.45, जो टीयर्स है हमारी आंखों के जो आंसू होते हैं, ये इसका तकरीबन 7.4 होता है। स्टमक के अंदर जो पीएच है वो 1.65 से 1.75, दूध के अंदर 6.78 से 6.8, और एग वाइट जो है ना, ये कितना है बेटा, 8.। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर दे, ठीक है, स्टार लगा दे इसके साथ, ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस। अब एक इम्पोर्टेंस इसकी और भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंस और रह गई है, ठीक है, कर लेते हैं, वो क्या है बेटा, नंबर 5 पे आते हैं, नंबर 5, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। अच्छा, बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड, ये भी याद रखना कि बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं टू मेंटेन द पीएच ऑफ, टू मेंटेन 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 मेंटेन, टू मेंटेन, ठीक है, टू मेंटेन द पीएच ऑफ कल्चर मीडिया, ठीक है, द पीएच ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया का पीएच मेंटेन करने के लिए भी बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये कल्चर मीडिया क्या काम करता है बेटा, ये कल्चर मीडिया, मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लूँ बेटा। कल्चर मीडिया का काम क्या होता है बेटा, कल्चर मीडिया का काम क्या होता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया की ग्रोथ इसमें करते हैं, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए जरूरी होता है, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हमें कहाँ जरूरत होती है बेटा, ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हमें बायोलॉजिकल, जितनी बायो बैक्टेरियोलॉजिकल एप्लीकेशंस होती है ना, मैं लिख देता हूँ ये लफ्ज, बैक्टेरियोलॉजिकल, बैक्टेरियोलॉजिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, यानी हम बैक्टीरिया से क्या क्या काम ले सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू मेंटेन द पीएच ऑफ कल्चर मीडिया। अगर हमने बैक्टीरिया पैदा करना है तो उसको एक खास एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट में क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होगी, और यही ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हमें बैक्टेरियोलॉजिकल एप्लीकेशन, यानी बैक्टीरिया का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, उसमें हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो ये तो 5 एप्लीकेशन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है बेटा। कौन कौन सी, एक दफा फिर चेक कर ले, मैं तो सर इसको जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ से, हाँ चला गया, ये आज का टॉपिक बेटा, यहाँ तक शॉर्ट टॉपिक था एक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन कौन कौन सी है, ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। पहली एप्लीकेशन मैंने बता दी आपको, देखिए बेटा पहली एप्लीकेशन क्या थी, कि मेजर एप्लीकेशन इसकी 5 है, जिसमें से पहला क्या है बेटा, कि इट इज यूज इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक मटेरियल है, लेदर है, एंड डाइज वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसी तरह सेकेंड वन है, इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ प्रोसेस व्हेन वन मेटल इज डिपॉजिटेड और अनदर मेटल थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे ये एक मेटल है, ए है, ए बी है, ये ए है, ए को अगर बी के ऊपर डिपॉजिट करना है तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, ठीक है बेटा।
जो थर्ड एप्लीकेशन है क्या है बेटा, थर्ड बफर सॉल्यूशन इज यूज इन कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर में इस्तेमाल होता है। मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे अभी अभी सारा हमने ऑब्जेक्टिव के तौर के लिए अभी तैयार किया ना, जैसे ह्यूमन ब्लड का जो पीएच 7.3 से 7.45 होता है, इसको मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन बहुत जरूरी होता है। अगर 7.4 से ऊपर हो जाता है, यानी 8 हो जाता है हमारा ना, 7 से 8, तो हमारी मौत हो जाती है। ठीक है, तो टीयर्स का है उसका पीएच 7.40 है, इसलिए स्विमिंग पूल जो है ना, स्विमिंग पूल में भी जो पीएच होता है वो मेंटेन रखा जाता है। अगर पीएच इससे कम होगा ना हमारी आंखों के लिए, तो या एसिडिक हो जाएगा तो हमारी आंखें जलेंगी, ज्यादा होगा भी तो नुकसानदेह होगा, इसलिए स्विमिंग पूल का भी पीएच रखा जाता है। स्टमक का होता है 1.65, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है उसका पीएच, ठीक है, एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक है। देखिए हमारा पीएच 1.65, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ठीक है, इस तरह मिल्क का 6.7 और 6.8 के दरमियान होता है, एग वाइट 8.1 तक होता है तकरीबन, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। और क्या है आखिरी जो इम्पोर्टेंट है वो है बफर सॉल्यूशन आई यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ कल्चर मीडिया, जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, बैक्टेरियोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये तो खैर वो बातें थी जो हमने बता दी। ठीक है, कोई मसला इसमें है तो बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो बताएं। ठीक है, अच्छा अब हम ये कहेंगे कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है, ये तो हमें पता चल गया ना, ये तो हमें पता चल गया ना कि क्या बला थी ये सारी। अब हम ये कह सकते हैं कि बफर एक्शन क्या होता है, व्हाट इज बफर एक्शन, क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज बफर एक्शन, यानी बफर काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि अ बफर सॉल्यूशन मेंटेन इट्स पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अल्कली इज एडेड टू दैट, द प्रॉपर्टी ऑफ सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर एक्शन। ठीक है, मैंने क्या बताया था, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन जो बताई थी वो क्या थी। ठीक है, कि अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि अब बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, मेंटेन बफर सॉल्यूशन मेंटेन्स इट्स पीएच, मेंटेन इट्स पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ when a small amount of an acid or alkali या base जिसको कहते हैं is added to that. तो ये तो हमने इसकी buffer की solution पढ़ ली है। ठीक है, this property is called, इस तरह की जो property होती है, this property is called buffer action। ठीक है, कभी कभी बफर सॉल्यूशन के साथ लोग क्या करते हैं, बफर एक्शन को मिक्स करते हैं। नो, दिस प्रॉपर्टी, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी को बफर एक्शन कहेंगे। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बफर एक्शन, ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बफर एक्शन। ठीक है, बफर एक्शन क्या होता है, अब बफर सॉल्यूशन मेंटेन्स इट पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इनटू दैट। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बफर एक्शन। ये यहां से यहां तक जो डेफिनेशन है ना बेटा, यहां से लेकर यहां तक जो डेफिनेशन है, ये बफर सॉल्यूशन की है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसको बफर एक्शन कहेंगे। ये बात समझ आ गई बेटा आपको बेटा, कि बफर एक्शन और बफर सॉल्यूशन में क्या फर्क है। यहां तक जो अंडरलाइन हुआ है ना, ये बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये जो आपको ये प्रॉपर्टी नजर आ रही है ना, इसको मैं इसको ब्लॉक में बंद कर रहा हूँ, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बफर एक्शन। चले एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं ना, मैं आपको तौर से एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। अब क्वेश्चन अगर आता है, मिसाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आता है, मिसाल सपोज अ क्वेश्चन है कि वट आर द कम्पोजिशन ऑफ बफर, वट इज द कम्पोजिशन ऑफ, वट इज द कंपोजिशन ऑफ बफर, के बफर किस चीज से बनता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बफर, के बफर बनता किस चीज से। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ, ठीक है, कि बफर जो होता है वीक एसिड होगा। ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टी है,
मैं कहता हूँ एक मिसाल दे रहा हूँ, चलो एक ये है और एक ये है, बफर कैसे बनेगा? देखिए, या तो वीक एसिड होगा बेटा, अगर वीक एसिड है प्लस इट साल्ट, या इसी का साल्ट ले लेते हैं, ठीक है, साल्ट वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड एंड द साल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, या इट साल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक बेस होगा, या हम ये कहेंगे वीक बेस होगा प्लस इट साल्ट या उसी का साल्ट फ्रॉम वीक एसिड, ठीक है, वीक बेस, ठीक है, आपने क्या पता है, क्या लिखा हो बेटा, वीक बेस है, सेकंड क्या होगा, अब वीक बेस एंड इट साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस से है, ठीक है, विद फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क देख ले बेटा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको कलर करके बता देता हूँ, देखिए जरा, पहली बात ये कि वीक आपके पास क्या है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी याद रख ले बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोबारा देख ले एक दफा, फिर चेक कर लेता हूँ, या इसी का साल्ट हो, ये भी याद रखना, देखिए वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है बेटा, देखो वीक आपके पास क्या है बेटा, आप देखें वीक यानी ये हो, ठीक है, वीक एसिड या इसका साल्ट हो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करे, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रिएक्शन करवाएगा, ठीक है बेटा, ये भी समझ आ गई बेटा या नहीं आई, वेरी गुड, ये तो हमने कर लिया, इसकी डेफिनेशन, किसी ने मैसेज किया, लेट मी रीड आउट, अली अहमद ने क्या, हाँ सर, विल द साल्ट बी न्यूट्रल एसिडिक आर बेसिक, वेरी, हाँ, क्या खूबसूरत सवाल किया है बेटा, अब बेटा साल्ट जो होता है ना, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है बेटा, ये तो डिपेंड करेगा ना आपके, अगर आपने वीक एसिड का लिया तो साल्ट भी उसका वीक एसिड होगा, अगर वीक बेस लिया तो साल्ट भी उसका वीक साल्ट एसिड होगा, बेस होगा, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर वीक एसिड लिया है तो बेस स्ट्रांग लेंगे, इसी तरह अगर वीक बेस है तो साल्ट उसका क्या लेंगे, स्ट्रांग एसिड लेंगे, यही हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है, चले अब आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा ऊपर डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, वालेकुम अस्सलाम ताहा जहांगीर, वालेकुम अस्सलाम, चले अब इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, ठीक है बेटा जी, अब हम चलेंगे क्या बेटा, कंपोजिशन की क्वेश्चन था ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे भी हम डिस्कस करते हैं, चलो एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ही एग्जाम्पल ही दे दे ताकि याद रहे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं ना, जैसे H2CO3 है, H2CO3, ठीक है, H2, पता नहीं लिख क्यों नहीं रहा मेरा पेन, पर इसको मिटा दूं बेटा, 1 मिनट, ठीक है, पेन किधर चला गया यार, पेन क्यों नहीं लिख रहा, 1 मिनट बेटा, पेन 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 पेन, H2CO3, इसको थोड़ा सा मोटा ना कर दें, बहुत पतला लिख रहा है यार, आपको नजर शायद नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट में तो साइज इसका ये, हाँ अब सही, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, अब इसका साल्ट क्या होगा, NaHCO3 प्लस NaHCO3, ये एक हो गया, वीक एसिड है और इसका साल्ट ये है, ठीक है बेटा, इस तरह H3PO4, मैं एक और लिख लेता हूँ, क्या H3PO4 फास्फोरक एसिड, वीक एसिड है, प्लस इसका साल्ट क्या होगा, NaH2PO4, NaH2PO4,
2PO4। इसी तरह तीसरा कौन सा होगा बेटा, तीसरा हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3, सी डबल बॉन्ड OH, और इसी का साल्ट लेंगे CH3COONA। इसी तरह वीक, ये जो एग्जांपल मैंने दी है वीक एसिड की दी है, ठीक है। अब ये तीन एग्जांपल, अब इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर ले, एक बॉक्स में नहीं बंद करता। अब वीक बेस की ले लेते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, देखे ए की ले लेते हैं, चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसका साल्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा NH4Cl। ये एग्जांपल है किसकी बेटा, ये बफ, इन दोनों के मिलने से बफर होगा, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है ये वाली, ये एग्जांपल है किसकी बेटा, इसकी। ये तीनों एग्जांपल है, इनमें से कोई भी याद कर लेना, ठीक है बेटा, ऐसा कोई भी ले लेना जो आपको आसान लगे वो। इन यानी ये एक दो तीन एग्जांपल इसकी है और ये एक एग्जांपल इसकी है, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया। अब ये रिएक्ट कैसे करता है, कोई एक रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो हमें पता चलेगा ना, ठीक है। चलें एक रिएक्शन कर लेते हैं इसी को, थोड़ा सा इसको ऊपर करके ना मैं इसको, अब ना इक्वेशन एक्सप्लेन करेंगे। चलो हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी इक्वेशन को, एक्सप्लेनेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्ट करता है या काम करता है, तो बेटा इसके लिए एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। हम कोई एक ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पास अभी 10 मिनट है, चले कर लेते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, अगर फर्स्ट करो हम एक लेते हैं ना H2CO3 के एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बोनिक एसिड, और इसी का साल्ट ले लेते हैं NaHCO3 के। ये हमने एक बफर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है बेटा, वी हैव टेकन बफर सॉल्यूशन, ये हमने एक बफर सॉल्यूशन ले लिया। अब हम इसी की एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये ले लेना, ये वाला, ठीक है, ये वाला ले लेंगे, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, NaHCO3 ले लिया। उसको देखो वीक एसिड था और इसका साल्ट है ना, तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, HCl, ठीक है। अब आपको पता है क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, अब आपको पता है, मैं आपको इसका कलर चेंज करके, देखो यहाँ का जो Na है वो यहां से उठकर इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस, और H और H आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2CO3 बना लेंगे, H2CO3, ये वाला बन गया ना, देखो, ठीक है। अब अगर हम इसी को, ये H2CO3 को, ये वाला, ठीक है, अब इसमें क्या पता चला कि ये HCl के ऐड करने से, यानी इसको जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, HCl के ऐड करने से बेटा, जब हम ये HCl को क्या करेंगे ना, ऐड करेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर HCl करेंगे तो स्मॉल चेंज इन pH होगा, स्मॉल चेंज इन pH होगा, बहुत स्मॉल, क्योंकि NaCl बना तो इसे वी एसिड दोबारा बन गया, क्योंकि ये भी तो वीक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक एसिड हमारे पास आया, वीक एसिड हमारे पास आ गया, ठीक। इसी तरह अगर हम क्या करेंगे, बेस ले लें, ठीक है, ये वाला ले ले, H2CO3 ले लो, इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन वही इसी के साथ कर ले, वीक एसिड H2CO3 के साथ कर लेते हैं। अब इससे क्या बनेगा बेटा, देखिए जरा, अब इससे ये होगा, देखो ये Na, एक H और एक OH, यहां से क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है, और पीछे क्या बच जाएगा, NaHCO3 बन जाएगा, NaHCO3 जो कि हमारा साल्ट है, ये वाला बन गया, देखो, ठीक है। अच्छा अब इसे क्या पता चला कि ये जो NaH जो था ना, ये इसको, ये जो हमारे पास क्या है बेटा, ये मच वीकर बेस है, मच वीकर बेस है, ठीक है, इसलिए ये बहुत छोटा बेस है, ठीक है, तो pH विल, इसमें जो pH होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ तक हमारा जो है ना वो टाइम्स आउट हो गया। मैं दोबारा क्लास इंटर करता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।